अस्सलामुअलैकुम जी फ्रॉम मदीना। तो मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि मदीना में मौजूद हूँ और अभी जा रहा हूँ जी गेट नंबर 30 पे, आई थिंक 30 पे। हाँ जी, तो इस वक्त टाइम हो रहा है जी जोहर का। अभी अभी हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो अभी असर की नमाज तक जो है ना हमारे पास जो है वो थोड़ा सा गैप है, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है ना एक्सप्लोर करवाएं आपको भी और ख़ुद भी करते हैं। तो मैं अभी जा रहा था एक शॉप पर, मैंने सोचा यार कुछ घड़ी देख लें। घड़ी जो थी मेरी घर पे रह गई थी, तो मैंने कहा यार चले यहाँ पे आपको घड़ी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ, अगर पसंद आई, अगर रेट वगैरह ठीक हुआ तो आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊँगा कि हाजी वगैरह जब आते हैं तो किस तरह से शॉपिंग करते हैं, कहाँ से शॉपिंग करते हैं, मतलब अगर जिन्होंने आना भी है तो उनके लिए टिप्स है कि यहाँ से कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, दुकानें कहाँ पर है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये गेट नंबर 332 है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है वो एग्ज़िट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह जो है ना खजूर के स्टॉल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी किस्म की खजूर मिल जाएगी, इतर मिल जाएगा और कुछ एंटीक पीसीस मिल जाएंगे और ये ज़रा आउद वगैरह मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें सामने जाय नमाज वगैरह भी है, यहाँ पर आउद वगैरह पड़ी है और ये सारा सामान है। तो यहाँ से तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये मॉल्स के नीचे अगर आप ये देखें, ये सारी जो है ना शॉप्स हैं। आपने शॉप्स देखी ना, यहाँ से आपको आराम सुकून से 2-3 रियाल 4 रियाल 5 रियाल 10 रियाल, मतलब डिफरेंट रेट्स हैं और ज़्यादा महंगे नहीं हैं। और आराम सुकून से जो है ना वो आपको सामान जो है वो मिल जाता है अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए और अपने लिए भी। ठीक है, तो ये आपको एक शॉप विज़िट करवाता हूँ। ये देख सकते हैं अल-तक्वा अल-मसीह फॉर गिफ्ट्स। अगर ये आपको शॉप दिखाऊँ तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, इंडोनेशिया से जो है ना वो हाजी वगैरह इतने ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अगर आप देखते जाएं तो ये टोपियाँ वगैरह और ये तस्बीहां वगैरह, ये वॉलेट्स वगैरह, ये बस ठीक है, एवरेज क्वालिटी है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सपेंसिव से तो जाहिर सी बात है फिर इंसान की अपनी गलती है कि वो कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं। अरे तो एक ये वॉलेट थोड़ा सा अच्छा लगा है मुझे, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी भी प्रीमियम है, लेकिन पूछता हूँ कितने का। सलाम अलैकुम, हाउ कम यार अशरीफ आखा, 20 साल का भाई, 20 साल का पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं, कोई 1200-1100। और ये देखिए आप छोटे मोटे गिफ्ट्स और ये सुरमा वगैरह, ये लिपस्टिक है मेरा ख्याल है, लिपस्टिक है हाँ। और ये आप देख सकते हैं, वाह अच्छा, ये छोटे छोटे जो है ना ये इत्र हैं। अभी इनकी चेक कर, तो मुझे वैसे भी एक इत्र लेना था लाजिम। ओ कुलजा, तो ये एक इत्र जो है मुझे मिला है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो इधर एक छोटे इत्र लगे, हाँ ये अगर आप इत्र देखेंगे तो ये 15 रियाल के हैं और इनकी फ्रेगनेंसेज भी मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन जो यहाँ पर लगे हैं ना एक साइड पे, ये यहाँ पर वहाँ से मैंने ये उठाया और ये 20 रियाल का भाई, 20 रियाल मतलब पाकिस्तानी 1200 तकरीबन बन जाते हैं। और इन ये थोड़ा सा ठीक है, कम है लेकिन अच्छा है, ये ज़्यादा है अच्छा नहीं है और सस्ता भी है। तो देखते हैं इसके साथ कितने की ख़त्म होती, फिर ये लेंगे यार, मुझे इत्र की ज़रूरत है। तो इसका मैंने पूछ लिया है तो उसने कहा कि जी हमें 17 रियाल आखिर दे दें। और अगर आप यहाँ पर देखे चले ग्लासेस और ये घड़ियाँ जो सारी, ठीक है घड़ियाँ भी अच्छी हैं ग्लासेस भी अच्छी हैं, लेकिन ये है इतनी ज़्यादा महंगी और आजकल के दिनों में ये इतनी ज़्यादा महंगी है कि ना ही पूछें आप। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये महंगी क्यों है। ठीक है, अभी बस एक मिनट रुक जाएँ, इसका हम मतलब पैसे कटवा दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें इतनी महंगी क्यों है और इतना रश क्यों ज़्यादा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब इधर तो हमने ले ली है और इसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको इस साइड पे लगा ले रहे हैं, इसको हम खोल लेंगे इस तरह से, यहाँ पे आपने लगा ले, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा लगाइएगा। उसके बाद में इसको देखेंगे, ये दो चीज़ें इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, और फिर आपने जहाँ लगाना है इस तरह करके लगा लें। इससे ये होगा कि अगर आपके कोई गले मिलता है तो उसको आपकी खुशबू की महक आएगी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लगाना भी सुन्नत है और इस तरह से लगाना भी सुन्नत है, और यही जो है वो असल तरीका है। तो बस यही था खुशबू लगाने का तरीका इधर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अंदर हमने बात की थी कि आजकल जो है इतनी चीज़ें महंगी क्यों हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता चलो कि सारी चीज़ें जो है ना वो इस वजह से महंगी हुई हैं, जो मैंने अंदर बात की थी वो ये बात थी कि जो पूरे सऊदी अरब में ना 15 दिन की छुट्टियां दी हुई हैं सऊदी गवर्नमेंट ने,
इसी वजह से जो है ना सारा सऊदी अरेबिया जो है ना मस्जिद नबवी का, मक्कातुल मुकर्रमा का जो है ना वो विजिट कर रहे हैं। होटल्स भी इसी वजह से महंगे हैं और चीज़ें भी इसी वजह से महंगी हैं, क्योंकि सब जो है वो इस वक्त मस्जिद नबवी का रुख कर रहे हैं। तो बाकी आपने इतर लगाने का भी तरीका सीख लिया है, और मैं इस वक्त ढूंढ रहा हूँ बकाला जी, मुझे चाहिए पानी। तो पानी लेते हैं फिर चलते हैं अंदर मस्जिद नबवी की तरफ। अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त एक मैं मार्केट के सामने आ गया हूँ, एक मॉल टाइप के अंदर। तो मैं यहाँ से पूछूंगा कि भाई यहाँ पे कोई दुकान है जिसे पानी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे कोई बकाला है करीब में? सीधा ये सीधा आगे, ठीक है। तो भाई हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा लास्ट में इन्होंने बोला है। अब देखते हैं कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, और जाकर देखता हूँ। मैं आ चुका हूँ और मैंने सोचा कि जूस ले लिया जाए। तो ये आ गया जी हमारा जूस, जो कि 8 रियाल का हमें मिला है, देख सकते हैं आप कितना है। तो पैसे दें फिर आगे चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो जी जूस हम लोगों ने ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ सीधा मस्जिद नबी की तरफ। मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद नबी है, अंदर जाता हूँ और भाई वगैरह को फ़ोन करता हूँ। आदिल भाई भी अंदर ही हैं, रऊफ़ भाई भी अंदर ही हैं, और उनको पता करता हूँ कि वो है किधर। देखें यार यहाँ से मैं आया हूँ, वो ये बाथरूम के पिछली साइड पे जो है ना वो बड़ा वाला मेन गेट है, तो मैं वहाँ से नहीं, मैं यहाँ से आया हूँ। और मुझे यहाँ से सीधा ऐसे घूम के जाकर वो सामने नबी पाक का रोज़ा आएगा वहाँ पर। चला माशाल्लाह, अभी इत्तेफाक चेक करें कि मैं ये गेट की तरफ ही जा रहा था और वो सामने जो है ना वो भाई लोग जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं सामने आ रहा हूँ उनके। तो ये आप देख सकते हैं सारा माशाल्लाह, ये देखे कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। सब पीछे थे, मैं अंदर जा रहा था, मैं देखा, मैं कहा बाहर निकल रहे हो आप लोग जी। ये हमारे जवाद भाई हैं, इनको कौन नहीं जानता सर, अपना तारुफ तो करवाया था यार, मुझे दुनिया जानती है। माशाल्लाह, ये जनाब आए हैं हमारे हाजी साहब, ठीक है। पहले कतर गए हैं, फिर माशाल्लाह कतर से यहाँ मक्का गए हैं, फिर मक्का से इनको जनाब हमने पिक किया और रात को मदीना लेके आए, एक समझ ले कि किडनैप ही कर लिया इनको, कहा चले बैठे फटाफट। एक बात है कि ये माशाल्लाह इनकी हाइट बहुत लंबी है, हम ये कहते हैं भाई ध्यान से पंखा वगैरह बचा के। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह मदीना की रौनकें एक अलग है, मक्का की रौनकें एक अलग है, ठीक है। लेकिन आज मैं जो रौनक देख रहा हूँ ना, वो शायद मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का है कि ना तो ज़्यादा पसीना आ रहा है बल्कि पसीना आ ही नहीं रहा, ठीक है। हालांकि मैं कितनी दूर से वॉक करता आ रहा हूँ, मुझे पसीना बिल्कुल नहीं आया। और आप बताएं मौसम कैसा है? बड़ा ज़बरदस्त मौसम, अच्छा है ना आज का मौसम? अच्छा, मक्के का मौसम बहुत अच्छा, अंदर के भी एसी भी चल रहे हैं और बाहर भी कोई पंखा नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल, पसीना वगैरह किसी को भी नहीं आया, तो सारी जो है ना बड़ा। मगरिब के बाद ऐसी हवाएं चलती हैं, रात ऐसी ठंडी, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। बड़े जबरदस्त मौसम में है, रास्ते में बारिश, रास्ते में भी आपको बारिश थी। आज का वेदर जो है वो तकरीबन 3 से 4 बजे का बता रहे हैं, बारिश है। अच्छा, लेकिन देखिए इंशाल्लाह अल्लाह के काम ही है, चले देखते हैं। आज भाई बता रहे हैं कि जी आज उन्होंने कहा है कि जी बारिश होगी, बाकी अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो रात को भी जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना मदीना में, हम लोग तकरीबन रात को 1-2 बजे पहुँच चुके थे, तो तब भी सर्दी थी और बिल्कुल ठंडक में, बहुत ही ज़्यादा 18 टेम्परेचर था और बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरत मौसम था और मज़ा आ गया भाई। तो मैंने इस तरह का मौसम शायद बहुत देर बाद देखा है। पिछली दफ़ा, हाँ जब पिछली दफ़ा आए थे तब भी बारिश थी, 2-2.5 माह पहले। अब भी आए हैं तो देखते हैं जी बारिश का क्या हिसाब किताब है, अभी तक तो बादल नहीं नज़र आ रहे। तो मैं आप भाई यही बात कह रहे थे और मैं भी भाई को यही बात कह रहा था कि माशाल्लाह आप जब भी देख लें कि जब भी आएंगे ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो लाजिम होता होगा। ये आप देख सकते हैं ये वाली फैसल, ये वाली भी पट्टी ना, ये जितने भी होटल हैं मतलब इनकी भी बारी किसी दिन आ जानी है। जितने ये लग्जरियस है ना, मुझे नहीं लगता कि ये जाए। नहीं है मेरे हिसाब से तो सी है, हरम है, मस्जिद नबवी है, तो सब कुछ है, पता नहीं यार भाई। लेकिन ये जो होटल है ना, ये एक तो है काफी पुराने, लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ ना अपने आप को अपडेट भी किया है, तो हो सकता है कि ये बच जाए। जो ये वाली साइड है ना, ये पीछे थोड़ी सी खाली है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ी पीछे खाली है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना वो तरक्कियाती काम शुरू हो जाए। तो देखते हैं जी टाइम के साथ साथ पता चलेगा, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, ये सिर्फ वो इनको ही पता जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या होगा।
इंस्टॉल करके दे रही है, वो जो परमिट मिलता है ना रियाल करना। हाँ जी, वो अच्छा अभी नहीं है परमिट, नहीं वो परमिट है, क्योंकि जिसके पास परमिट है सिर्फ हो जाएगा, बस सलाम करके आ गया हूँ मैं, बस ऊपर आके रोजा मुबारक रियाजा जिन्ना मैं नहीं जाने दिया, परमिट देख रहे हैं कोई ऐप है वो रजिस्ट्रेशन कर दे ताकि मैं रियाजा जिन्ना में ना तमरना से होगी आपकी। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने इंस्टॉल की है लेकिन वो सारा अरबी में आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या क्लिक नहीं, वो इंग्लिश में भी हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आप कर लेना, हो सकता है कि वो कल का टाइम दे, लेकिन हम तो दो तीन दिन तक इधर ही हैं इंशाल्लाह, तो देखते हैं जी। मैं वैसे इधर रियाज जन्ना की तरफ ही जा रहा था, इनके पास ही तो इन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से ना इंशाल्लाह देखते हैं जी, काम वगैरह का भी प्रेशर होता ना जी, इंशाल्लाह आपके साथ ही हैं अभी, आज देखेंगे कि जन्नतुल बकी का भी विजिट करेंगे। तो जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम लोगों को जो हमारे बिछड़े मिल गए थे रऊफ भाई, जवाद भाई, आदिल भाई, ठीक है, पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है, अब जा रहे हैं होटल में, होटल में जा खाना खाएंगे, फिर आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए इंशाल्लाह असर की, तो पहले जाके पहले खाना शाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। जी अब हम जा रहे थे वापस अपने होटल की तरफ, तो ये रास्ते में जो है ना आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये अगर ये आप शूज़ देखेंगे ना तो ये हाजीज के लिए तो गुड है, थोड़े से चीप रेट्स में भी हैं, लेकिन इनका ये होता है कि ना नीचे से सोल ख़राब हो जाता है और बाद में जो है ना वो इतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। और ये देख सकते हैं ये जो शर्ट्स वगैरह हैं इनका भी जो है ना बाय द टाइम कलर अगर आप एक दो बार वॉश करेंगे तो इनका भी कलर जो है वो फेड हो जाएगा और ये कलर छोड़ देंगे और ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप ये परफ्यूम्स देख लें तो इन परफ्यूम्स की भी जो है ना फ्रेगरेंस इतनी देर ठहर ही नहीं है, तो बस ये किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए, तो मैं कहता हूँ ये नहीं है गिफ्ट वगैरह के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो इंसान फिर अच्छा सा गिफ्ट दे। अस्सलाम वालेकुम जी अगेन, और कल रात को जनाब मैं जो है घर जाकर सो गया था, आपको बताता चलूँ कि कल हुआ क्या था, कि कल मैं मस्जिद अल कुबा, मस्जिद अल किबला तैन वगैरह के जैसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस और मस्जिद थी ना उनको विज़िट करना था मुझे, तो मैं चला गया था कल उधर, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो अब जा रहे हैं जनाब हम मस्जिद अल नबी की तरफ, और आपको मंजिल मैं दिखाता चलूँ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सामने मस्जिद नबी है और बिल्कुल जुमा का टाइम है, आधा घंटा तकरीबन रह गया है और जा रहे हैं जी आगे, हमारी कोशिश है कि सीधा अंदर चले। देख सकते हैं अभी मैं धूप में हूँ और ये धूप ख़त्म, आगे सामने बिल्कुल मस्जिद नबी, सीधा देखते हैं अंदर चलते हैं अल्लाह खैर करे। तो जुमा का खुतबा दिखाते हैं आपको, फिर खुतबा सुना के दिखा के फिर आपसे मिलते हैं जी जुमे के बाद इंशाल्लाह। जी मदीना की रूफ टॉप, ये देखें माशाल्लाह ये गुंबद है, और ये देखें माशाल्लाह। एक बात है कि कितनी धूप में भी ये जो पत्थर है ना ये ठंडा है, बहुत ही ठंडा है, कूल कूल। और ये देखें माशाल्लाह ये सारी रूफ टॉप है, فرحمته وسعت كل شيء.
जी हम लोगों ने अब जुमा पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग रूफ टॉप पे थे, रूफ टॉप से नीचे आए हैं। हम लोगों ने सोचा ये था कि जाएंगे सलाम करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को, और हुआ ये कि भाई रश इतना ज़्यादा है, ऊपर से जुमे का दिन है और जुमा जैसे ख़त्म हुआ तो इतनी ज़्यादा आवाम है कि अंदर हम जा नहीं सके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ये कि हम लोग जन्नतुल बकी चलते हैं और जाकर जो है ना अपना सलाम पेश करते हैं सबको, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह चलते हैं सीधा होटल में। फिर आगे देखेंगे कि इंशाल्लाह आज मक्के के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, लेकिन अभी जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ जवाद भाई हैं। तो जवाद भाई, आपने भी जाना, फर्स्ट टाइम ही अंदर? चले जी, आपस की बात है, मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वैसे देखी मैंने हुई है अंदर जा रहा, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ये जवाद भाई की बदौलत कितनी ज़्यादा ज्यारतें हो गई हैं मेरी भी, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला तौफीक दें, आगे भी ज्यारतें जो हैं हम करते रहेंगे। तो अभी बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी है, मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये जन्नतुल बकी है, और ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा यहाँ से सीधा जा रहा है। वो ऊपर वाला खुला था, दूर से नज़र आया कि ऊपर वाला खुला है, हम लोगों ने सोचा कि शायद जो है ना वो खुला होगा, लेकिन ये देखें यहाँ से गेट बंद है। देखते हैं दूसरा दरवाज़ा खुला है कि नहीं, अगर ना खुला हुआ तो फिर यहाँ से सलाम देकर इंशाल्लाह फिर आगे होटल में निकल जाएंगे। गाइस अनदर अपडेट, ये अपडेट है कि जनाब ये वाला भी जो है ना वो गेट बंद है, आप देख सकते हैं। ओए, ये वाला भी जो है ना वो गेट बंद है, आर्मी खड़ी है, और दिखाता हूँ आपको, ये देखें आर्मी खड़ी है, गेट बंद है। दूसरा भी जो है वो गेट बंद था। अब कोई हल नहीं है, अब सिर्फ हल यही है सीधा होटल। अभी आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, रश बहुत ज़्यादा है, ये देखें। क्योंकि आज जुम्मा है तो काफ़ी शहरों से जो है ना वो दो दिन की छुट्टियां होती हैं, जुम्मा की और हफ्ता की, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो बड़े से ज़्यादा लोग जो है ना वो आ जाते हैं यहाँ पर जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए। असर की नमाज़ पढ़ के जो है ना ये वापस अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा रौनक है, माशाल्लाह। ये देखें ये अम्ब्रेला जो है ना ये सनलाइट की वजह से इन्होंने खोली हुई है, रात को भी आजकल खुली रहती है पता नहीं क्यों। किधर गए ये देखें, ये सारे गेट वगैरह इन्होंने जो है बंद किए हैं। मुस्तफा जाने।